नमस्कार दोस्तों, ये है अड्डेबाजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल और मैं हूँ चंद्रशेखर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में संवैधानिक विकास की। संवैधानिक विकास के इस प्रक्रम में हम बात करेंगे कंपनी शासन की। कंपनी शासन 1773 से 1858 की। संवैधानिक भारत में संवैधानिक विकास, एक्चुअली 1934 में एक साम्यवादी नेता हुए M.N. रॉय, उनके दिए गए सुझावों को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। इस संविधान और संविधान सभा पर बात करें, इससे पहले हम बात करेंगे भारत में संवैधानिक विकास की। और संवैधानिक विकास की इस प्रक्रिया को हम दो भागों में बांटते हैं। एक कंपनी शासन, जो कि सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा था 1773 से 1858, और दूसरा है क्राउन शासन, क्राउन का शासन, काम नहीं क्राउन, क्राउन जो कि 1858 से 1947 तक का दौर है। तो इसमें इसको हम बात करेंगे। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कंपनी शासन का, 1773 से 1858, काम का शासन नहीं, सॉरी यानी क्राउन का शासन नहीं। तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। एक्चुअली हुआ ये कि ब्रिटेन से जो कर्मचारी भारत आ रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी भारत में काम कर रहे थे, वो यहाँ से निजी व्यापार के द्वारा या फिर भ्रष्टाचार के द्वारा जमा करके अकूत संपत्ति ले जा रहे थे और वहाँ एक ठाठ बाठ की ज़िंदगी जी रहे थे। ये देखकर वहाँ का जो अभिजात्य वर्ग था, काफ़ी मतलब उन्हें काफ़ी मतलब एक ईर्ष्या हुई और सरकार पर या और इस पर दबाव डालने लगा कि नहीं, उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार को भी रेगुलेट करना था। और दूसरा, अभिजात्य वर्ग के प्रति जो कि निम्न तबके के लोग थे, जो कामकाजी लोग थे, उनके प्रति ईर्ष्या ने इस रेगुलेटिंग एक्ट की नींव रखी। तो इसमें हुआ ये कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था और इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो आप जान सकते हैं कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की, इससे पहले भारत में कोई केंद्रीय शासन प्रणाली नहीं थी, जिसको हम आज भारत बोलते हैं, इस भारत में। इसकी यदि विशेषताओं की बात करें तो इसके द्वारा बंगाल का जो गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे। इस एक्ट के द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके द्वारा अन्य कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार या रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। एक्चुअली इसमें 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और एक समस्या तब देखने को मिली कि आखिर सुप्रीम कोर्ट किस कानून पर काम करे, ब्रिटिश कानून या फिर इंडियन लॉज। इंडियन लॉ में भी फिर अलग अलग धार्मिक कानून थे, हिंदुओं के कानून अलग थे, मुसलमानों के अलग थे, और फिर आदिवासी और जनजातीय कबीलों के अलग कानून थे, तो किस पर अमल करे, ये समस्या आई और वो काफ़ी दुविधा वाला समय रहा। और इसमें और एक और चीज़ इस दौर में हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नर जनरल थे, इससे पहले वो सारी शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी और अब होता कि जुडिशियल पावर सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया। अब गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच खींचतान होना शुरू हो गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर एक पकड़ मजबूत हुआ। इसके बाद राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया, यानी धीरे धीरे नकेल कसना शुरू कर दिया। अब आता है 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में संशोधन अधिनियम 1981 पारित किया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। पीट्स इंडिया एक्ट के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन की एक पहली और आखिरी सरकार थी जो कि भारत के मुद्दे पर ब्रिटेन में किसी सरकार का पतन हो गया, सरकार गिर गई। हाँ, कि वो गठबंधन सरकार थी और जिसके कारण वो दोनों जो दो धड़े थे, लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड फॉक्स, ये जो दो उनके जो समूह थे, ये लोग आपस में अलग हो गए और सरकार गिर गई।
इसमें कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। इसने निदेशक मंडल की कंपनी को निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक निकाय का गठन कर दिया। अब यहाँ देखिए दो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो संगठन यहाँ पर दो समूह बन गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक व सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का निरीक्षण एवं नियंत्रण करें। इस अधिनियम ने पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा तथा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अब है दूसरा 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में यह पहला निर्णायक कदम था। ये हालांकि और भी कई मामलों में ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन इसमें है कि इसने विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरुआत किया। इसे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दास प्रथा का अंत की बात भी इसी चार्टर अधिनियम में की गई। वुड्स डिस्पैच जो आता है शिक्षा को लेकर, भारत जिसको भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उसकी बात भी इसी चार्टर अधिनियम में की गई। तो चलिए अब हम आगे इस पर बात करते हैं। इसने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक शक्तियां निहित थी। इस एक्ट में पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था, और विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसने मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को विधायिका संबंधित शक्तियों से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार दे दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दी गई। यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। इसमें कहा गया कि भारतीयों को किसी पद, कार्यालय या रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। माफ कीजिए, किसी का फोन आ गया था, नहीं किया जाएगा। बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इसे समाप्त कर दिया गया। अब आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1793 में से लेकर 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। 1853 का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या हुआ कि इसने गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई और 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसने कंपनी शासन को विस्तारित कर दिया। भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव मद्रास और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाना था। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा इस एपिसोड में, जिसमें हम बात किए ब्रिटिश शासन में, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत में संवैधानिक विकास पर। तो अब इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राज। चलिए हम आपको इसके लिए चलते हैं वीडियो के अगले सेक्शन। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ये अड्डेबाजी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल, और मैं हूं चंद्रशेखर और हमारे साथ हैं हमारे चिर परिचित राज मल्होत्रा। तो अड्डेबाजी में आज हमारा चर्चा का जो विषय है, जैसे कि हम वीडियो के पहले सेक्शन में आप देख चुके हैं, संवैधानिक विकास, भारत में संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास पहले सेक्शन में नहीं देख चुके हैं। हाँ, पहले सेक्शन वीडियो के भूल गए, वो लगता तुम वीडियो के पहले सेक्शन में। इसके बाद में एक परिचय बता देते हैं इसका, जिसमें कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा आगे से तुमको भी भेज दिया करेंगे इसको बनाने के बाद। तो हम आज बात करेंगे संवैधानिक विकास की।
आखिर ऐसी क्या वजह थी, क्या जरूरत आन पड़ी थी कि फिरंगियों को भारत में कानून बनाने की जरूरत पड़ गई, एक संवैधानिक ढांचा तैयार करने की जरूरत पड़ गई। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो बात करें उससे पहले राज से थोड़ी हालचाल ले ले। राज कैसे हो? नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस जो भयावह स्थिति है भारत भारत की, इसमें अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवारों का ख्याल रख रहे होंगे। तो बड़े दिनों के बाद फिर से हम लोगों को टाइम मिला है कि आपके सामने आया जाए और कुछ मुद्दों को लेकर के आया जाए। तो उसी क्रम में आज हम लोग संवैधानिक विकास पर चर्चा करेंगे। आज हाँ तो राजू, राज एक बात पता होगा कि मैंने वैक्सीन ले लिया है, फर्स्ट डोज। तुमने लिया कि नहीं? कांग्रेचुलेशन, मुझे सेकंड डोज लगने वाला है कुछ दिनों के बाद। और अच्छा, आई होप सो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल से जुड़ने वाले हर एक शख्स और हमारे भारतीय नागरिक, तो सभी को वैक्सीन लेना चाहिए और सब कोई ले ये ले। सुरक्षित है, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अब इधर उधर की बात अच्छा शुरू करें। इससे पहले मौसम कैसा है? क्योंकि यस का जो मतलब था कि भागलपुर भी काफी हाई अलर्ट पर था। हाँ, यास ने काफी हद तक जो है ना, मतलब पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है और संभावना जताई जा रही है कि अगले 72 घंटों तक और भी बारिश और तूफान जो है चलती रहेंगी। भागलपुर में अभी भी वर्तमान में जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उस समय भी बारिश हो रही है। तो चलिए, बारिश तो यहाँ भी हुई थी सुबह तक, लेकिन अब यहाँ धूप है, जबरदस्त धूप खिली है, गर्मी भी है और हवा भी चल रही है, इसलिए आगे बारिश की संभावना आज तो नहीं लग रही। रात में हो, दिन में, रात में हो तो अलग बात है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर पहुंचते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि संवैधानिक विकास की, यानी कि कहीं ना कहीं ये महसूस किया गया होगा कि संविधान चाहिए, एक संविधान चाहिए, एक संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि आज हम दोस्तों, हालांकि हो सकता है कि मेरी बात से वो लोग, बहुत लोग ना इत्तफाकी रखते हो ना उससे मतलब वो सहमत ना हो, लेकिन बात यह है कि आज हम संविधान के पहले पन्ने पर जिस भारत के बारे में जानते हैं, इंडिया दैट इज भारत, उसकी रूपरेखा खींचने की शुरुआत कहीं ना कहीं इसी दौर में, यानी कंपनी शासन में ही इसकी शुरुआत हुई थी। राज, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि फिरंगियों को भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था बनाने की जरूरत आन पड़ी? और उसके बाद मैंने जो कहा, इस पर भी आप बात रख सकते हैं। जी आपको संवैधानिक विकास पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पे ले चलूंगा। जिस समय प्राचीन काल था, किसी भी चीज को या किसी भी समाज को चलाने के लिए कुछ ना कुछ रूल और रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं, और उस रूल रेगुलेशन को जब हम दस्तावेज में सीमित कर देते हैं, दस्तावेज में जब हम उसको डाल देते हैं और उस हिसाब से कानून चलाने लगते हैं, उस हिसाब से रूल रेगुलेशन चलाने लगते हैं, तो हम उसको कह देते हैं कि संवैधानिक विकास, संवैधानिक दर्जा। तो वही चीज हमें करने पड़े। तो आपने देखा होगा कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, अंग्रेजों ने कोई नया नया कॉन्सेप्ट नहीं दिया, बस उसको एक ऐसा रूप दे दिया, स्वरूप दिया, प्रदान किया, ताकि उस आधार पर हम जो है ना काम कर सके। जैसे कि आपने देखा कि मनु मनुस्मृति की बात आपने जानी सुनी होगी, उसमें भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन से थे, वो उसमें जो है प्रशासन को चलाने के लिए व्यवस्थाएं की गई थी, उसी हिसाब से जो है मेरा समाज का जो ढांचा था उसी हिसाब से चलता था। तो अभी जो हम संविधान की चर्चा कर रहे हैं, संवैधानिक भी उसी तरीके का एक स्वरूप है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ, क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, मैंने जैसे कहा कि आज हम जिस भारत को जानते हैं, या संविधान के पहले पहले पन्ने पर, पहले आर्टिकल में, जिस पहले अनुच्छेद में जिस भारत की हम बात करते हैं, इंडिया दैट इज भारत, उसकी रूपरेखा भी कहीं ना कहीं इसी दौर में, यानी कि कंपनी शासन में ही खींची गई, सत्रह ये सौ एक्चुअली आपने देखा होगा कि जिस समय अंग्रेजों का शासन चल रहा था, एक्चुअली कंपनी शासन थी उस समय, यहाँ पर जो है ना जो स्थिति थी हमारी, उसमें एक्चुअली बात ये था कि वो लोग आए थे व्यापार करने के लिए, सच्चाई ये थी। वो लोग संविधान की चर्चा उर्चा कुछ नहीं करना चाह रहे थे, वो लोग कानून भी बनाने का कोई मतलब नहीं था उनका, कुछ
कुछ नहीं था फंडा, बस फंडा ये था केवल कि उनको व्यापार करना है और लाभ कमाना है और चले जाना है। लेकिन स्थिति तब आ गई जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद से जब उनको दीवानी और रेवेन्यू सारा कलेक्शन मिल गया, तब उसने अपना दीवानी फौजदारी लगभग सारे मामले उनके हाथ में आ गए। हाँ, इनडायरेक्ट उसके हाथ में आ गया। और ये जो है लगभग 3 स्टेट का आ गया। अब उस समय देखेंगे उड़ीसा, बिहार और बंगाल का, ये तीनों स्टेट का मिल गया, तो बहुत बड़ी बड़ा वो एरिया कहा जाता है। तो उस समय दीवानी और रेवेन्यू सारा मामला मिल जाने के बाद वो तभी से कहा जाता है कि विस्तारवादी नीति वो अपनाना शुरू कर दिया। और ऑब्वियसली कोई भी किसी को भी आप जो है किसी बाहरी, जैसे चंदू ने बताया कि फिरंगियों को जरूरत क्यों पड़ी, इसी वजह से जरूरत पड़ी कि यहाँ के लोगों ने जो कंपनी में लोग थे वो कमा करके यहाँ से जाते थे वहां और मौज मस्ती करते थे, तो वहां की जो सामंतवादी व्यवस्था थी, सामंतवादी लोग थे, उनको थोड़ा अजीब लगता था कि अरे इन लोगों के पास इतना पैसा कैसे आया। तब वहां के लोगों ने कुछ इस तरह का कानून लाने का कुछ सोचा, तभी जाकर के 1599 आपने देखा होगा एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी, एलिजाबेथ थी ना, क्या नाम था उनका, हाँ एलिजाबेथ प्रथम थी महारानी, उसने जो है एक प्रस्ताव डाल करके एक कानून बनाई। और कानून बना करके यह कह दिया कि आप 15 वर्षों तक जो ईस्ट वाला एरिया है वहां पर आप शासन कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, मतलब शासन व्यापार कर सकते हैं, एकाधिकार। हाँ जी चंदू, आगे आप कुछ बोल रहे थे। हाँ मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा था कि जब वो एलिजाबेथ ने वहां 15 वर्षों तक शासन करने की इजाजत दे दी, मतलब पत्र के द्वारा, तो उसी में था एक भारत, दैट इज भारत जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो हमारे संविधान में लिखी हुई, तो वहां से जो है, हालांकि तब आज जो भारत हम जान रहे हैं वो भारत तब नहीं था। अभी हमारा भारत एक सीमित हो गया, एक दायरा सीमित हो गया है। आपने देखा होगा जो एरिया पहले हुआ करता था वो स्प्रेड था, काफी स्प्रेड था। कैसे कह सकते हैं इस बात को, क्योंकि आप यदि वैसे कहेंगे तब तो क्या भारत को ब्रिटेन का ब्रिटेन मानेंगे क्या? भारत को ब्रिटेन हम क्यों मान लें, लेकिन भारत का जब आप हिस्सा देखें, भौगोलिक हिस्सा देखेंगे, तो आपको अफगानिस्तान से उधर और इधर आपको बर्मा तक आपको भारत ही नजर आएगा, वो भारत ही कहा जाता था। वो एक्चुअली हालांकि भारत इस क्षेत्र को भारत कहा जाता था, लेकिन उसमें कोई एक संवैधानिक स्ट्रक्चर या भारत एक देश के रूप में भारत नहीं था, एक देश ऐसा देश। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि देश देश नहीं था, लेकिन जब अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य इसके द्वारा शासन किया जाता है या मुगलों के द्वारा शासन किया जाता था उस समय, यही कहा जाता। हाँ, इनको एक देश बनाने की, एक देश या एक साम्राज्य बनाने की कोशिश की गई, और हाँ उन्होंने बहुत हद तक कामयाब भी हुए और उसमें फिर वो विघटन हुआ। और यहाँ एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, देश राष्ट्र और साम्राज्य ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, इनको आगे कभी हम इसकी व्याख्या करेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य का जो हिस्सा है वो ब्रिटेन नहीं है, वो जो मगध साम्राज्य का हिस्सा है वो मगध या भारत नहीं है। वैसे ही जो मुगल साम्राज्य का हिस्सा रहा होगा वो भी पूरा भारत है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो मुगल या अफगान या फिर और भी कई जो वंश हमारे यहाँ शासन किया वो भारत में किया, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो जो वंश था वो भारत था, वो हम नहीं कह सकते कभी भी, क्योंकि इसमें जो है ना भारत में मिला जुला मिले जुले लोगों का या मिले जुले वंशजों का शासन रहा है भारत। चलिए खैर, ये आप अलग जगह पर जा रहे हैं, हम इसी में यदि चलिए फिर अंत में एक बार फिर वही आते हैं। आखिर वो उन परिस्थितियों पर यदि हम बात करें कि आखिर क्या परिस्थिति थी कि यहाँ पर उनको एक संवैधानिक ढांचा बनाने की जरूरत आ गया, क्या जो जो लोग यहाँ व्यापार करने आए सात समंदर पार से, आखिर फिरंगियों को भारत के लिए कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो वहाँ एक तो सामंत जो अभिजात्य वर्ग थे, वो जो कामकाजी वर्ग था, उसके प्रति एक ईर्ष्या की भावना थी कि भाई इनके पास तो कोई अधिकार भी नहीं है, ये तो ये निचले तबके के लोग हैं, उसके बाद भी ये इनकी ये ऐसी ठाठ बाट, तो ये एक ईर्ष्या था, ईर्ष्या की भावना थी उनमें। और दूसरी बात थी कि उस वक्त कंपनी में और कंपनी के कर्मचारियों में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त था। ठीक है, बिल्कुल था।
इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता, बहुत भारी भ्रष्टाचार था। और चूंकि कंपनी का जो साम्राज्य, कंपनी का जो दायरा था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, और कंपनी अब देखेंगे तो कई बार कंपनी घाटे में अपने अपने आप को घाटे में दिखा रही है, लेकिन फिर भी अपने शेयर होल्डर का जो लाभांश है वो कम नहीं कर रही है। सरकार को जो उनको नियमित राशि 4 लाख यूरो या फिर पाउंड जो देना था वो तो दे नहीं पा रही है, लेकिन यहाँ अपने जो भागीदारों के शेयर होल्डर्स के जो हिस्से है उसमें बढ़ोतरी किए जा रही है, लोन पर लोन अप्लाई किए जा रहे हैं। तो इन स्थितियों ने उनको लिए एक रेगुलेटिंग, उनको रेगुलेट। अब हम इसकी पृष्ठभूमि के बाद राज, अब हम जाना चाहेंगे कि तो संवैधानिक विकास का क्रम क्या रहा। आखिर यदि हम कंपनी शासन में संवैधानिक विकास के क्रम को समझना चाहें तो इसको कैसे डील करोगे? सबसे पहले तो 1973 के एक्ट पर आने से, 1773 के एक्ट पर आने से हम ये आपको बताना चाहेंगे कि वो जो संविधान का ढांचा होता है या संविधान का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो वो कोई मतलब तुरंत की प्रक्रिया नहीं है, नहीं, वो एक लंबी प्रक्रिया है। जैसे आपने देखा होगा जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उस समय एक मिट्टी की प्रक्रिया हमें बताई जाती है पढ़ने को, तो मिट्टी की प्रक्रिया कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, तुरंत मिट्टी नहीं बन जाती, कई कई सौ साल लगते हैं बनने में। तो उसी प्रकार ये जो है ना, एक संविधान बनने में कई सौ साल लगे, तभी जाकर के हम कहते हैं कि हमारा संविधान सबसे बड़ा है, हमारा संविधान लिखित में सबसे बड़ा है, ये है वो। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि ये एक सतत प्रक्रिया होती है और एक लंबी प्रक्रिया के तहत ये संवैधानिक विकास संविधान जो है बन के तैयार होता है। हाँ, और क्या पूछ रहे थे आप जी? इसी के क्रम यदि हम, चलिए हम कुछ इस पर जाएं, इससे पहले राज एक बात कहेंगे, क्या आपको लगता है कि हमारा जो पुराना जो राज, जो हमारा आती है प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन काल में जैसे राजत्व का दैवीय सिद्धांत आया, उसके बाद जो हमारी जो मनसबदारी व्यवस्था आई, आप यदि देखिए कहीं ना कहीं ये चीजें हम धीरे धीरे ट्रेंड हो रहे थे, शक्ति का विकेंद्रीकरण होता गया था। हम लोग ये जो जब हम इसकी संवैधानिक विकास की चर्चा करेंगे, जैसे कि 73 वाला या 84 का फिट इंडिया एक्ट की चर्चा करेंगे और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो कंपनी एक्ट के जितने भी एक्ट बनाए गए हैं उसकी जब पूरी चर्चा करेंगे तो उस दौरान ये खुल करके सामने आएगा कि क्या विकेंद्रीकरण तो होता है, लेकिन शुरुआत में क्या होता है कि एक अधिकार जो है ना अंग्रेज अपने पास रखता है, मतलब हल्का फलका जो है क्या कह सकते हैं कि आप राइट्स देते हैं हम उसको। चलो, और धीरे 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 उसको विस्तृत कर करके कोशिश किया जाता है। जब हम क्रॉन की वो संवैधानिक विकास की चर्चा करेंगे तो उसमें जो है पूरी तरीके से वो हो जाता है कि हाँ राइट्स दे दिया जाता है। संवैधानिक विकास का जो क्रम है इस पर हम विस्तार से चर्चा करें, इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर भारत में उस समय कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिसने यूरोप से व्यापार करने आई एक कंपनी को संप्रभु शासक के रूप में, एक संप्रभु शासक बना दिया, जो यहाँ की, यहाँ जो किंग मेकर की भूमिका में आ गए, पहले तो किंग मेकर की भूमिका में आए फिर खुद ही किंग बन गए, आखिर वो परिस्थितियां क्या थी? फिर मैं आपको वही याद दिलाना चाहूंगा कि वो तो आए थे बिल्कुल, आपने कहा कि व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए आए, वो किंग मेकर बन गए। उसका बस सिंपल सा रीजन यही था क्यों वो बन गए, क्योंकि उसको यहाँ पर आने के बाद जो एक व्यवस्था दिखी, भारत का जो एक क्या कहते हैं बहुत बड़ा मार्केट दिखा और वहां यहाँ का जो रॉ मटेरियल दिखा, इन इन सब चीजों से उसे व्यापार में तो लाभ हुआ, लेकिन जब उनको लाभ हुआ तो वो इसको कंटिन्यू बनाना चाह रहे थे कि मतलब ये जो है ना लाभ हमें बराबर मिलता रहे। कंटिन्यूसली वो चाह रहे थे कि इस तरह का बराबर अगर मिलता रहेगा तो हम जो है ऐसे ही पैसे वाले बनते रहेंगे, हमें हमारे पास जो है हम और भी मतलब नहीं होता है उस तरह उनकी आकांक्षाएं बढ़ने लगी। तो वो चाह रहे थे कि हम क्यों ना, जब इतना यहाँ पर सारा कुछ है तो क्यों ना मैं अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत यहाँ पर जो है एक राजनीतिक अखाड़ा तैयार किया जाए, एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाया जाए। एक्चुअली राजनीतिक अखाड़ा तो यहाँ पहले से ही बना हुआ था,
औरंगजेब के बाद, औरंगजेब के बाद मुगल शासन बिल्कुल भी कमजोर पड़ चुका था, वो टूट चुका, हैदराबाद अलग हो रहा था, बंगाल अलग हो गया, अवध ने अलग से अपनी आजादी की घोषणा कर दी। लेकिन आपने आपने देखा होगा ये सब हमारे यहाँ जितना भी था, मुगल थे या फिर राजपूताना था या फिर हैदराबाद थे, जो भी थे जो आपने बताया, लेकिन अंग्रेजों की तुलना में ये कम थे। अंग्रेजों के पास पास आधुनिक हथियार थे, उनके पास एक समुचित व्यवस्था था, उनके पास मैं इसी पर आ रहा हूँ कि हुआ ये कि उसमें ये सारे अलग हो रहे थे, टूट रहे थे, और इस दौरान उन्होंने इन चीजों को काफी बारीकी से देखा कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं अपना साम्राज्य विस्तार, खुद को खुद खुद एक साम्राज्य, हर जो जो भी मुगल साम्राज्य से टूटकर अलग हुआ उसने अपने आप को एक सम्राट के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, चाहे अवध का नवाब हो, हैदराबाद के निजाम हो, या बंगाल के नवाब हो, या फिर मराठा हो। और मराठों ने तो खैर आखिर में मुगलों को किसी लायक नहीं छोड़ा और वो खुद भी कहीं ना कहीं बर्बाद हो गए इसमें, और अंग्रेजों को पूरा एक खुला मैदान दे दिया कि भाई आओ और जीतो। यदि हम पानीपत की तृतीय युद्ध की बात करें तो पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह साबित कर दिया कि अब भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, शासन कौन करेगा ये तो क्लियर नहीं था, लेकिन शासन कौन नहीं करेगा ये साबित कर दिया। और ऊपर से आग में घी डालने का काम किया नादिर शाह ने, नादिर शाह के आक्रमण। तो अब चलिए अब आगे हम बात करें, तो इसमें हम बात करेंगे अब ये सारी परिस्थितियां थी जिन्होंने एक कंपनी को, जिसके पास आधुनिक हथियार थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी और पश्चिमी पद्धति पर वेल ट्रेंड आर्मी थी, और उनके पास वो मशीनरी थी जिसके दम पर यहाँ पर वो एक अपनी सेना बना सकते थे, भारतीयों अपनी भारतीय लोगों को शामिल कर। और यहाँ पर जो वंचित तबका था, यदि आप महार रेजिमेंट की बात करें, महार इस तरह के वंचित तबकों को अपने साथ लिया, इवन की 1857 के बाद कहा जाता है कि संथाल परगना में संथालों का भी एक मतलब सैनिक टुकड़ी तैयार की उन्होंने, जो वंचित तबका था उनको अपने साथ लिया और एक इसका इस्तेमाल किया, और धीरे धीरे वो एक संप्रभु शासक के रूप में उभर कर सामने आए। चलिए इनके बाद अब हम बात करेंगे, ये तो हुआ कि पहले वो यहाँ आए, व्यापार किए, व्यापार करना शुरू किए, व्यापार करते करते अब वो किंग मेकर बने, और किंग मेकर के बाद अब किंग की भूमिका में आ गए, क्योंकि 1714 बक्सर के युद्ध के बाद अब वो खुद किंग थे, किंग मेकर नहीं थे वो। यहीं से शुरुआत होती है इनकी किंग मेकर की भूमिका, और यहीं से शुरुआत होती है वो जो कुछ एक्ट लाते हैं, रेगुलेशन करते हैं, उसमें उसी को रेगुलेट करते रहते हैं, उसी को पहला जो 1773 में एक्ट आया उसी को नाम दिया रेगुलेटिंग एक्ट, यहीं से शुरुआत होती है, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संवैधानिक विकास का मैग्ना कार्टा 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 1773 का, सॉरी। तो अब हम राज आपसे बात करेंगे कि संवैधानिक विकास का जो क्रम है, एक सिलसिलेवार ढंग से यदि आप उसको क्लियर कर सके कंपनी शासन में, इसको अगर संवैधानिक विकास की चर्चा करेंगे तो हम इसको दो रूपों में बांट करके देखेंगे। एक तो हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं ये कंपनी शासन है, ये चलेगा 1773 से 1858 तक जी। इसमें हम इसमें सिर्फ कंपनी शासन की ही चर्चा करेंगे, इसमें कंपनी शासन की चर्चा करेंगे। उसके बाद 1858 से लेकर के हम बात करेंगे 1947 तक बात करेंगे, वो है क्राउन शासन की। तो अभी हम लोग ये जो चर्चा कर रहे हैं ये है कंपनी शासन। इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे और 1784 का फिर पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे। वैसे तो बहुत सारे एक्ट बनाया गया है, लेकिन जो प्रमुख एक्ट हैं, 1781 में सेटलमेंट एक्ट भी लाया गया था, लेकिन उस समय कुछ प्रमुख से या फिर मुख्यतः उस तरह की बातें नहीं कही गई थी जो 1773 या 84 में हैं। और उसके बाद फिर 93 का एक्ट भी हम लोग देखेंगे, उसके बाद 1813 का एक्ट देखेंगे और फिर 1833 का एक्ट देखेंगे, 1833 चार्टर एक्ट। हाँ, चार्टर एक्ट, ये सब चार्टर एक्ट ही है जो मैं चर्चा किया, 1813 में भी चार्टर एक्ट, 1833 में भी चार्टर एक्ट, 1853 में भी चार्टर एक्ट, उसके बाद जाकर के हम शासन अधिनियम वाला एक्ट आता है जो कि 1858 में आता है, वो आ जाता है आपका भारत शासन अधिनियम 1858।
हाँ क्राउन शासन में वो आ जाता है। तो अभी पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि 1773 के एक्ट में क्या क्या था मोटा मोटी। हाँ हालांकि इसकी चर्चा हम पीपीटी में कर चुके हैं तो फिर इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने चर्चा कर ही दिया है तो। मैंने इनकी चर्चा कर दी है तो अब इतना इसके बाद यदि हम देखें कि ये सारा तो एक सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं, अब हम बात करेंगे कि आखिर कंपनी शासन का भारतीय शासन व्यवस्था या फिर भारतीय समाज पर क्या प्रभाव रहा, सकारात्मक और नकारात्मक। देखिए कंपनी शासन ने जितने भी ये एक्ट बनाए, जितने भी अधिनियम बनाया इसने, ऐसा तो है नहीं कि इसने भारतीयों के लिए बनाया। भारतीयों को हमेशा सीमित करने के लिए ये कानून बनाया गया था। क्यों? क्योंकि उस वो आया था व्यापार करने, और व्यापार में हमेशा लाभ की चर्चा करते हैं, हमेशा व्यापार मतलब लाभ, प्रॉफिट, उसके इतर कुछ नहीं सोचता। चाहे उसके लिए हमें कानून से क्यों ना बनाना पड़े, उसके लिए रेलवे क्यों ना बनानी पड़े, उसके लिए क्या कहते हैं टेलीग्राफ तार क्यों ना बनाने पड़े, उसके लिए जो भी विकास करने पड़े वो केवल अपने फायदे के लिए किए गए सौदे थे और कुछ नहीं। हाँ हम ये भी नहीं आंक सकते, ये भी नहीं कह सकते इससे भारतीयों को फायदा नहीं हुआ। हमारे यहाँ जो राष्ट्रवाद का प्रसार प्रसार हुआ उसमें इसने बहुत ज्यादा भूमिका निभाई। इवन टेलीग्राफ ने या फिर वो प्रेस इंडिया ने या फिर रेलवे ने, इसने राष्ट्रवाद, हाँ राष्ट्रवाद ने बहुत ज्यादा भूमिका निभाई और हमें भी इसका फायदा मिला। हाँ क्या कुछ बोल रहे थे चंदू? इसी दौरान वुड्स डिस्पैच आता है, जिसको कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में केंद्रीय शासन प्रणाली की नींव रखी जाती है इसी दौर में, एक केंद्रीय शासन प्रणाली की नींव रखी जाती है। वुड्स डिस्पैच आता है, आपको आप सेना को का आधुनिकीकरण की शुरुआत की जाती है, हालांकि वो अपने लिए कर रहे हैं लेकिन आज हमें इसका फायदा मिल रहा है। एक जुडिशियरी की स्थापना की जाती है। हाँ जुडिशियरी की स्थापना की जाती है, वो सब तो खैर इसी टाइम पीरियड में होता है जब आप देखेंगे कि न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत की जाती है, विश्वविद्यालय का शुरुआत किया जाता है और शिक्षा के भी क्रम को तरह तरह से जो है मॉडिफाई करके दिखाया जाता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे जब इसकी जब बात कर रहे हैं तो ये भी बात कर लेते हैं कि तरह तरह की संस्थाएं बनाई जाती है। अब जैसे कि सिंचाई के लिए अलग संस्था बनाई गई है, रेलवे के लिए अलग संस्था बनाई गई है, या फिर हम यूपीएससी का जो हम लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए अलग संस्थाएं बनाई जा रही हैं। इसी में डाला होगा, ये सब हमारे लिए बेनिफिशियल था। लेकिन कुछ शासकों के द्वारा इसमें फिर से जो है कुछ कारकुनी की गई, कारकुनी का मतलब कुछ इधर उधर किया गया। उसमें आपने देखा होगा कि कोई जब वहां के शासक आते थे तो कोई एज घटा देते थे, कोई बढ़ा देते थे, कोई कुछ करते थे, कोई कुछ करते थे। ये सब प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है तो आज भी हो रही है, इसके बारे में हम और आप भी हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये चलता रहा है और चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम एक बात और कहना चाहेंगे कि कंपनी यदि हम संवैधानिक विकास पर यदि हम कहें कि अंग्रेजों ने हमारे लिए ये फायदे किए, तो ये तो कुछ ऐसा ही होगा कि जैसे बकरा पालने वाला बकरे से कहे कि मैंने तुझे पालकर तुम पर कोई एहसान कर दिया है। सही बात है, वही बात है, सही पकड़ा आपने, उदाहरण बढ़िया दिया आपने। इसमें कोई शक नहीं कि बकरे का पेट भरा, उसका पालन पोषण हुआ, उसे एक सुरक्षित स्थान मिला रहने के लिए, लेकिन फाइनली उस बकरे को पाला जा रहा था काट कर खाने के लिए। मेन फंडा यही था। तो इसमें बहुत सारे निगेटिव जो अगर बात करेंगे तो भारतीयों का शोषण आपको देखने को मिलेगा, भारतीयों पर जो अत्याचार है, भारतीयों के द्वारा जो क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं, जो भी मतलब अगर होता भी था तो उनको जो है अंग्रेज हालांकि इस दौर में जो कि हमारे समाज में महिलाएं और जो वंचित वर्ग थे उनकी सामाजिक दशा में काफी सुधार हुआ है, इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते। सती प्रथा, ये बात मैं मान सकता हूँ कि कुछ संस्कृति में हम लोग जो अंग्रेजी शासन थी ये समय दर समय कुछ चीजों को चेंज किया गया। हाँ राज कैमरे पर कुछ आ रहा है, आपका चेहरा नहीं दिख, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है कैमरे पर, कुछ आ रहा है।
एक्चुअली इस दौर में सती प्रथा का अंत हुआ, दास प्रथा का अंत किया गया, बेगार प्रथा का अंत हुआ, कहीं ना कहीं बेगार प्रथा की भी अंत की गई, और जो कि जाति आधारित जो व्यवस्था थी उसे तोड़ने का प्रयास कई बार किया, हालांकि फिर भी अंग्रेजों ने इसको पालने पोसने का भी काम किया, जैसे सेना में रेजिमेंट सिस्टम वगैरह बनाया। खैर ये तो एक अलग बात है, संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में ये सर, ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं संवैधानिक विकास का ही वो भाग है। हाँ, जो एक संवैधानिक स्ट्रक्चर का वो भाग है जो कि जो समाज है ना उसके स्ट्रक्चर को चेंज करके रख लिया। आपने जो अभी चर्चा की सती प्रथा ये सब, उसमें एक ये भी था विधवा पुनर्विवाह का। विधवा पुनर्विवाह में भी बहुत सारी चर्चा ऐसी हुई थी जो कि हमारे जो परंपरागत व्यवस्था थी उसमें बहुत सारी खामियां थी, सती प्रथा में भी थी, सब कुछ में ये खामियां थी। तो ये सब हमारे लिए कुछ ना कुछ फायदे थे, अगर हम फायदा देखना चाहें तो फायदा भी था, नहीं तो आज भी वो परंपरा हो सकता है कि बनी रहती, आज भी बनी रहती। हाँ तो राज अब इसको कंक्लूड करें, अवश्य आप ही कीजिए। नहीं आप ही कीजिए, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। नहीं नहीं आप कीजिए, आपका काम है। अच्छा मेरा काम है। हाँ तो जिस प्रकार से कंपनी शासन हमने देखा इसमें कंपनी शासन पे जो 1773 से लेकर के और 1858 से पहले तक जितनी भी एक्ट बनी इसमें यही सब हमेशा किया गया कि जो कि पहले जो एक्ट में कुछ खामियां थी उनको सुधार करने के लिए बनाई गई। ये सारी व्यवस्था ऐसे दर परत की करते गए ताकि 1858 तक आते आते हम लोग उस मुकाम पर पहुंच गए थे कि अब वहां से क्राउन शासन शुरू होने वाला था, क्योंकि उसमें भी खामियां थी, ऐसी बात नहीं। खामियां तो अभी भी जितने भी वो कमेटी बनाई जाती है उनके रिकमेंडेशन से हम काम करते हैं तो वहां भी खामियां होती, लेकिन फिर भी काफी हद तक जो है राइट्स लोगों को मिल गया था और काफी हद तक जो है शासन करने 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 का कुछ गुण हम लोग सीख चुके थे। कुल मिला के कह सकते हैं कि 1773 से लेकर 1853 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 के चार्टर एक्ट तक भारत की व्यवस्था को इस तरह से ढाला जा चुका था कि अब ब्रिटेन से भी शासन किया जा सकता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ब्रिटेन से शासन किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो अपना प्रतिनिधि, जैसे आजकल हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं और भेजते हैं, बस वैसे ही वहां पर प्रतिनिधि का चयन हो जाएगा और भेज देगा और काम करेंगे, बस ऐसे ही करने की बात। वो तो होना ही था, मतलब अंत में हम यही कह सकते हैं कि इस दौरान जिसको हम कंपनी शासन कहते हैं, कंपनी शासन के दौरान भारत को इस रूप में तैयार किया गया कि अब भारत पर मतलब यूरोप में बैठा यानी कि मतलब ब्रिटिश संसद से ब्रिटेन में ही रहकर लंदन से ही यहाँ पर शासन किया जा सकता है, और 1858 के बाद ऐसा दिखा भी और ये हुआ। तो 1858 के बाद आखिर क्या हुआ, संवैधानिक विकास किस ओर गया, कांग्रेस की स्थापना होती है, अन्य और छोटे छोटे दलों की स्थापना होती है, और तब सतत संवैधानिक विकास नहीं, तब एक तब स्थिति होती है उत्तरदायी सरकार की ओर, क्योंकि तब सरकार बन चुका है 1853 के बाद भारत में सरकार बन चुकी है, केंद्रीय सरकार बन चुकी है, जिनकी सहायता के लिए दो काउंसिल्स हैं, दो समूह हैं। अब इसको उत्तरदायी बनाना है, इस पर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें जी। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ।